हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जोसा काउंसलिंग 2022 के बारे में। बहुत ही डिटेल ये वीडियो होने वाला है, ए से लगाकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको जोसा काउंसलिंग के बारे में मैं आपको दे रहा हूँगा। क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहूँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको यही बता रहा हूँगा कि फाइनल क्या होता है, ठीक है ना। आपको जोसा काउंसलिंग पर सीट मिल जाती है, उसके एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है किसी भी आई टेस्ट, ट्रिपल आई टेस्ट या एन आई टेस्ट, GPTIAS के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे और CSAP के बारे में भी बात हम कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही डिटेल वे में देखना है, पूरा वीडियो देखना है। यदि टाइम नहीं है तो 1.5x स्पीड में देख सकते हो, बट ये एक सिंगल वीडियो आपके सारे डाउट जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड क्लियर कर रहा होगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत तो पड़ने वाली है नहीं, और अपने आप लोग काउंसलिंग कर रहे होगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लो। काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आप लोग पूछोगे, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और आप लोग एक चीज़ बताओ कमेंट बॉक्स से लिख के कि आप लोगों को क्या ब्रांच वाइज वीडियो चाहिए, क्या आप लोगों को ब्रांच वाइज उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, करियर ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस ब्रांच के अंदर। तो यदि आप लोगों को ऐसे भी वीडियो चाहिए हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स से लिख के बता दो, क्योंकि मैं सारी ब्रांचें कवर करूँगा यदि आप लोग ये बोलोगे, ठीक है ना। टॉप ब्रांचें तो कवर करूँगा करूँगा, जो कोर ब्रांचें उनके बारे में बताऊँगा, और जो लोअर ब्रांचें होते हैं जैसे कि मटेरियल हो गया, कर रहा हूँगा यदि आप लोग बोलोगे तो। चलिए यहाँ पर हम उनकी बात नहीं करते, यहाँ पर बात करते हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, तो चलिए आ जाइए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो किन किन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो व्हाट इज जोसा, जोसा क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, हु कैन पार्टिसिपेट, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, मॉक सीट एलोकेशन क्या होगा, सीट एलोकेशन क्या होगा, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उनकी भी बात हम कर रहे होंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी लगेगी, विदड्रॉल के ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे इनकी भी बात कर रहे होंगे, और फाइनल एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, और एडमिशन जो स्पेशल राउंड क्या होता है उसकी भी हम बात कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ बहुत ही डिटेल वे में यार। तो वीडियो कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर लो, क्योंकि अभी आप कॉलेज में जा रहे होगे और कॉलेज में क्या क्या होता है उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे होंगे, तो यार जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जोसा। तो जोसा आपको फुल फॉर्म पता होगी, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसके थ्रू 23 IITs, 31 NITs, उसके बाद 25 IIITs और 32 GFTIs के अंदर एडमिशन होता है। इसमें जितनी ब्रांचें होती हैं, जो कुछ भी होता है उनके अंदर यहाँ एडमिशन मिलता है आपको जोसा के थ्रू, ठीक है ना। इसके काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपको मिलता है, ये तो पता ही आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि यार एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो यार इसके लिए आपको आपने JEE Main का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास JEE Main का रिजल्ट भी होना चाहिए, प्लस आपने JEE Advanced का एग्ज़ाम देना होना चाहिए यदि आप लोगों को IITs में एडमिशन चाहिए, ठीक है ना। यदि आप लोगों को IITs नहीं चाहिए तो आपके पास JEE Advanced का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए IIT JEE Advanced वाला, ठीक है ना। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके चीज़ें करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँगा। अब हु कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने IIT JEE Main 2022 का एग्ज़ाम दिया है। तो आप लोग कन्फ्यूज भैया, सारे बच्चे मतलब जिन्होंने सिर्फ एग्जाम दिया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जिनकी रैंक आई है, तो रैंक देखो सबकी आई है, सबने एग्जाम दिया, तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं यार। आपकी कोई भी रैंक आई हो, कोई भी परसेंटाइल आई हो, फर्क नहीं पड़ता, आपने JEE Main का एग्जाम दिया है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ठीक है ना, आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद IITs के लिए, तो यार IITs में जब चाहिए, IITs चाहिए तो उसके लिए आपको JEE Advanced क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास JEE, यहाँ पे क्या लिखा है, JEE Advanced 2022 क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल फॉर IITs एडमिशन एंड आल्सो अप्लाई फॉर NITs प्लस सिस्टम, जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया है वो IITs के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो IITs की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और साथ साथ ही जैसे मेरे केस में किया था कि मैंने IITs की भी काउंसलिंग की थी, साथ में होता ना, मैंने तो IITs के लिए भी चॉइस फिलिंग की थी, और उसके नीचे क्योंकि मेरी IITs जो IIT में थी वो अच्छी रैंक थी, ठीक है ना, उससे हाफ रैंक थी, यानी कि जो एडवांस में थी उससे दो से डिवाइड, जो JEE Main में बनी थी ना उसे दो से डिवाइड करके भी ऊपर रैंक मेरी बन रही थी, ठीक है ना, इसमें JEE Advanced में। तो मैंने मेरा मेन प्रेफरेंस था यार JEE Advanced IITs के लिए, तो मैंने पहले सबसे पहले जो चॉइस फिलिंग की थी वो IITs के लिए कर दी, तो उसके बाद NITs के लिए की थी, क्योंकि मेरे को चाहिए भी नहीं थी और उतनी अच्छी ब्रांच भी नहीं मिलती जितनी अच्छी मेरे को IITs में मिल रही थी, तो फिर मैंने IITs के लिए ही अपना प्रेफरेंस दी थी, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, जिनका जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है एडवांस में, तो वो सोचते हैं JEE Main में अच्छी आ गई है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग दोनों के लिए अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद यार देखो, आप लोग काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो आप लोगों के पास क्लास 12th का वो होना ही चाहिए ना रिजल्ट, नहीं होगा तो यार कैसे होगा, अपने JEE Main एडवांस का एग्जाम भी नहीं दे पाएगे, तो वो तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला आता है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा,
तो काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, नॉर्मल चीज़ें होती है, आप समझ गए एक बार तो आप लोग बस अपडेट आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे डेट दे रखी है जोसा वाली, जोसा की साइड पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा कब क्या क्या हो रहा है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। कैसे हो रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आई थिंक स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जाके कर सकते हो, ठीक है ना। जाओ आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल रहता है आप लोगों को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद चॉइस फिलिंग की एक डेट आएगी, तब से आप चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग होगी, आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है ना। उसके बाद डेट होगी मॉक सीट एलोकेशन वन, मॉक सीट एलोकेशन टू, ठीक है ना। आपको दो पहली बार में एक सीट एलोकेट की जाएगी, जब आपको मिल रही होगी दूसरी बार भी आपको एक मॉक सीट एलोकेट की जाएगी। ऐसे नहीं कि वो सीट आपको मिल रही होगी, ठीक है ना, वो आपको एज ए मॉक दी जाएगी। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट एग्जाम देते हो ना, सिंपल सा दिया, जो रिजल्ट आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे रहेगा। आपको सीट मिलेगी उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। उससे अच्छी भी मिल सकती है, उससे लोअर भी मिल सकती है, जस्ट एग्जाम्पल आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग कुछ चेंजेस करना चाहो कि यार नहीं मेरे को ऊपर नीचे थोड़ा कराना है, तो आप लोग इसमें कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, एक इन डेट होगी जहाँ पर आपकी चॉइस लॉकिंग हो रही होगी। आप लॉक करोगे नहीं, ठीक है, फिर भी ऑटोमेटिकली एक डेट के बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक, जो आपने फिल किया होगा वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। देन स्टार्ट होगा आपका जो सीट एलोकेशन राउंड, ठीक है ना। आपके 6 राउंड होंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड होगा उस जो भी आपकी मिल रही होगी सीट, जो भी आपको ब्रांच मिली होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिस भी IIT NIT में आपको मिली होगी वो आपको मिलेगी। अब आपको चूज़ करना पड़ेगा यदि आपको लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है ना, कि आपको लेनी है नहीं लेनी है। फ्रिज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन होगा। अब ये क्या होता है मैं आपको आगे की वीडियो में बता रहा हूँ, इसी वीडियो में आगे बता रहा हूँ। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, यदि आपको सीट मिली, ठीक है ना, आपने फ्रिज फ्लोट जो भी ऑप्शन चूज़ करना वो किया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार ये चीज़ें हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन लेटर मिलेगा, जिसे आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको स्टॉप करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि आज ही आप लोग यार पेन ड्राइव ले लो, ठीक है ना। एक पेन ड्राइव लो जिसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सारे स्कैन कर करके उसमें डालते रहो। और जो भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ यार, जो भी यहाँ पे आप लोग जो भी अपलोड करो, जो भी वहाँ से डाउनलोड करो, सब कुछ उसमें आप सेव करते रहो। पता नहीं कौन सी चीज़ क्या कब मांग दी जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर, अब ये जोसा की तरफ से, ठीक है ना, ये आपको कॉलेज में आने के बाद भी मांगा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहना कि गए आप बस फोटोकॉपी निकलवा ली या आपने किसी मेमोरी में सेव करके डाली, नहीं भाई, पेन ड्राइव लो, उसमें अच्छे से सारी चीज़ें सेव करो, क्योंकि वो आपकी सेफ रहेंगी, ओके। उसके बाद क्या होगा, अब बात कर लेते हैं सीट एलोकेशन जो समय कैसे होगा, ठीक है ना। आपने सारी चीज़ें कर दी, उसके बाद जैसे मैंने बताया राउंड हो रहे होंगे, फर्स्ट राउंड होगा, तो आपका जैसे आप रजिस्ट्रेशन फिल कर दोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद राउंड 1 to 6 हो रहा होगा। यदि आप राउंड 1 में कोई सीट आपको मिल रही है, ठीक है ना, इफ़ यू गेट ए सीट बाई जोसा, देन यू नीड टू कम्प्लीट फॉलोइंग स्टेप, ठीक है ना। आपको सीट मिली, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी आपको सीट मिली है, ठीक है ना। सीट अलॉटमेंट आपको जो लेटर होगा वो आप डाउनलोड करो भाई, सेव करके रख लेना, सारे सेव करके रखना, ठीक है ना। सब कुछ सेव करके आपको रखना है, ये ध्यान रखना, सब कुछ सेव करके रखना है, गलती मत करना है। छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपने इतने हार्डवर्क किया है, 2 साल मेहनत की, और कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताता यार। मैंने इतने सारे, मैंने भी अपने टाइम पे वीडियो देखे थे, कोई कुछ नहीं बताता, कोई नहीं बताता कि आपको क्या क्या सेव करके रखना है। मैं बता रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने चीज़ें फेस की थी, प्रॉब्लम फेस की थी, तो सब कुछ डाउनलोड करके रखना है, सब कुछ सेव करके रखना है। आपको लगे ये फालतू है, बट वो भी यार रख लो, यार रख लो, पता नहीं कब क्या यूज आ जाए, ठीक है ना। तो आपको वो डाउनलोड करना है, उसके बाद चूज़ करना है फ्रिज फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन। उसके डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करोगे, वेरीफाई होंगे, फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी फीस होती है, फीस मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं बताया तो आई थिंक मैं बता दूंगा आगे चल के, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, देन उसके बाद चीज़ें इसी प्रकार से, ठीक है ना। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, ठीक है ना, पहले राउंड में दिक्कत हो रही होगी कि आपको एक सीट मिलेगी, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड करने पड़ेंगे, फ्रिज फ्लोर और स्लाइड करना पड़ेगा, वो वेरीफाई होगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। सबसे डिफिकल्ट पहला राउंड होगा, तो आपको ट्राई करना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता रहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, भाई जल्दी से प्रिपेयर करवा लो, जल्दी से प्रिपेयर करवा लो। यदि आप नहीं करवा पा रहे हो, जल्दी से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है ना। कैसे कॉन्टैक्ट करना है, नीचे हमारी इंस्टाग्राम आई डी दे रखी है, टेलीग्राम आई डी देखिए, भाई प्लीज़ यार कांटेक्ट कर लेना, शर्माना मत कि भैया आप रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये जेन्युइन डाउट होगा मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आप लोगों का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं चीज़ें थोड़ा अपना टाइम निकाल के आपको दे दूंगा, बट कर लेना यार, मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना, मैसेज कर देना, लेट रिप्लाई करूँगा बट करूँगा, ठीक है ना, टाइम से पहले कर दूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे बहुत जल्दी बनवाने हैं वो मेरे को पता है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी से डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, 2-3 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे। तो कैसे बनाने वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा नीचे टेलीग्राम या तो आप इंस्टाग्राम पे। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत जरूरी रहता है, कोई नहीं इतना सपोर्ट करता है,
ठीक है। तो पहला राउंड आपको हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आपके सेकेंड थर्ड चलेगा बस आपको फ्रिज फ्लोर स्लाइड करना पड़ेगा, बहुत सिंपल रहेगा। पहले राउंड में सबसे दिक्कत आपको हो रही होगी, बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत दौड़ना पड़ेगा, बहुत बाइक चलाना पड़ेगा, बहुत फैमिली वालों को परेशान करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी पहले राउंड में। उसके बाद सिंपल रहेगा सारे राउंड, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अच्छा फीस मैंने बताई नहीं थी, तो फीस की बात कर लेते हैं। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होगी, ठीक है ना। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रहेगी वो 35,000 रहेगी, ठीक है ना। फीस बहुत से बच्चे होंगे यार जो एक बार में तुरंत नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा अभी से आप स्टार्ट कर दो सेविंग, ठीक है ना, जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दो कि कहाँ से फीस जुगाड़ करना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे यार, बहुत से बच्चे तो ऐसे 35,000 क्या ही है यार देते, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कत होगी भाई 35,000 इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। तो अपनी सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दो, एडवांस हुआ है मेरे को पता है, तो जल्दी से अभी से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो, डॉक्यूमेंट्स बनवाना, फीस का जुगाड़ करना, सब कुछ यार। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता रहूँगा, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है भाई बात मुझे से पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद एस सी एस टी वालों के लिए 15,000 लग रहे होंगे, ठीक है ना। नो फीस रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द चॉइस लिंक, ठीक है। जब आप चॉइस लिंक करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपको सीट मिली होगी ना, देन आपकी फीस चीज़ें जो सीट आप जब एक्सेप्ट करोगे ना, तभी आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। इधर लोग चाहते हो विड्रॉल कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस सेलिंग करो, और जब चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो। बट ध्यान रखना है कि 6 राउंड से पहले करना है, 6 राउंड हुआ खत्म, ठीक है ना, आपका सारा पैसा चला जाएगा, कुछ भी रिफंड होने वाला है नहीं, सीट मिले या भाड़ में जाए, ठीक है ना। हाँ कुछ चीज़ें रिफंड हो रही हैं, बट आपका जोसा तो सारा ले लेगा, बट ट्राई करना कि चीज़ें कर लेने। यदि आपको रिफंड करवाना है तो 5th राउंड से पहले, 6th राउंड होने से पहले सारी चीज़ें कर लो, रिफंड करवा लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। तो जोसा थोड़ा बहुत काटता है वो तो कटेगा कटेगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उनकी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, मेरे को बहुत पर्सनली दिक्कत हुई थी, मेरे को भागना पड़ा था, बहुत भागना पड़ा था, 1 हफ्ते तक बहुत दिक्कत हुई थी यार, बहुत दिक्कत हुई थी। तो जो जो चीज़ें हैं, क्लास 10, 12 की मार्कशीट आपके पास होगी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं यार क्या होती है क्या नहीं होती। मैं भी बहुत कन्फ्यूज था कि क्या अपलोड करना है यहाँ पे, मैंने अपने स्कूल के टीचर से पूछा कि सर क्या अपलोड करना है यहाँ पे, वो उन्हें खुद नहीं पता था, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ ही नहीं पता था, जोसा काउंसलिंग के बारे में, आई टी एस के बारे में कुछ नहीं पता था। बट मैंने सर्च किया, आप लोगों की तरह मैं भी वीडियो देख रहा था, मेरे को किसी बताया किसी ने, बट सर्च किया तो पता चला ये होता है, मैंने अपलोड किया। तो क्लास 12 की मार्कशीट होती है वो अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आपको मिल रहा है या स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी तो वो डाल दो, ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप वो डाल दो, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट, बहुत दिक्कत होती है पता है, मेडिकल सर्टिफिकेट में को बहुत दिक्कत हुई थी, 3 दिन दौड़ने पड़े थे, और 1 दिन पहले मैंने बनवाया था मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले। तो क्या हुआ कि आपको एक फॉर्मेट मिल रहा होगा जोसा की वेबसाइट पर, और जो आपकी बिजनेस जो होता है ना, क्या नाम है उसका, PDF का बिजनेस का कुछ नाम है, मैं भूल गया हूँ, नाम भूल रहा हूँ, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। उसके लास्ट में जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारे फॉर्मेट आपको मिल रहे होंगे। यदि आपको कोई भी सर्टिफिकेट ना बन पाए, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट ना बन पाए, कैटेगरी सर्टिफिकेट ना बन पाए, तो वो निकालना है, वो डाउनलोड करना है, उसमें जो जो उसमें दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आप लोग साइन करवा लोगे, जैसे चीज़ें हो जाएंगी, तो वो करवा लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट उसी में करवा लेना, क्योंकि मैंने वही करवाया था, और मैंने थोड़ा तो कई मतलब कि थोड़ा जुगाड़ से ही बनवाया था, रियल में चीज़ें नहीं हुई थी, ठीक है ना। मैं सच बताऊँ तो रियल में मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था यार, संडे था, और संडे को कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओपन होता है यार, उस दिन मैंने बनवाया था जुगाड़ लगा के, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बट कहना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, गया मैं वहाँ से बनवा के लाया, बट उसी से मेरा काम हो गया था। तो ट्राई करना कि उसी फॉर्मेट के हिसाब से बनवा लेना आपको। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा बनवाना है, स्टेट का बनवाना है या सेंट्रल से बनवाना है। तो मैं बोलूँगा यार दोनों बनवा लो, यदि आपका स्टेट का है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों बनवा लो। और जो मैं नहीं रहता ना, वो सेंट्रल वाला रहता है, ठीक है ना, सेंट्रल वाला अप्लाई कर दो, यदि स्टेट वाला है तो जो सके टाइम पे वो फिल कर देना, दिक्कत कोई नहीं, उससे काम चल जाएगा, बट सेंटर वाला बनवा के रखना, क्योंकि कुछ कॉलेज मांगते हैं सेंटर वाला ही, ठीक है ना। तो ट्राई करना कि सेंटर वाला जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा के रखना, ओके। देन आपको बैंक की पासबुक चाहिए होगी रिफंड के लिए, ठीक है ना। अब यार यहाँ पे दिक्कत होती है, मेरे को पर्सनली दिक्कत जो सके टाइम पे तो नहीं होती, बट कॉलेज में आने के बाद दिक्कत होती है रिफंड के लिए, जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना होता तब दिक्कत होती है, क्योंकि जो छोटी छोटी बैंक होती है जैसे कि इंडियन बैंक हो गई या कुछ लोकल बैंक होते, तो उनसे कुछ नहीं होता है। आपको ट्राई करना है अच्छे बैंक्स में खाता खुलवाने का, ठीक है, स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, जो भी टॉप बैंक होती है, यूनियन बैंक हो गया, तो इनमें आप लोग ट्राई करना खाता खुलवाने का, वो होना चाहिए। मेरे पास नहीं था तो मेरे को खुलवाना पड़ा था, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है पेरेंट्स का, भाई चलो बनवा लेना, जो समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं करेगा बट लगेगा, बट कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, आपकी फीस बहुत अधिक कम हो जाएगी सिर्फ आपके इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से, ठीक है, बहुत कम हो रही, तो ये जरूर बनवा लेना। आधार कार्ड आपके पास होगा, वोटर आईडी कार्ड यदि आप लोग दे रहे होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो वोट दे रहे होंगे तो उनके पास होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर, वो तो आपको जब एडमिशन ले लोगे तब आपका लगेगा।
जेईई और एडवांस का रिजल्ट बहुत ज़रूरी यार, मत खो देना। और साथ साथ यार जो आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, वो भी आप लोग अपने सेव करके रखना, कॉलेज में शायद मार्क दिया जाए, ठीक है ना, ज़रूर। अभी तक जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी ध्यान रखना, आपके पास होना चाहिए, जब तक आप कॉलेज से आपको डिग्री नहीं मिल जाती तब तक के लिए आपको सेव करके रखना है, ठीक है ना, चीज़ें मार सकते हैं पता नहीं कब। अब और बात कर लेते हैं कि यार फाइनल राउंड क्या होगा। वीडियो पता नहीं कितना लंबा है, मेरे को नहीं पता है, पूरा वीडियो आपने देखा है, ठीक है ना। फाइनल में क्या होगा, आपको सारे राउंड हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सारे राउंड अच्छे से होने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आपके कॉलेज में, ठीक है ना, जो भी आपको कॉलेज देगा उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देन जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है ना, NITs में नहीं मिल पाई कोई सीट, तो CSEB होता है, ठीक है ना, स्पेशल राउंड होता है। कुछ कॉलेज रहते हैं जो जिसमें सीटें बच जाती है उसके लिए होता है, आप लोग वो करवा सकते हो, ठीक है ना। ये सिर्फ NITs और उनके अदर कॉलेज के लिए होता है, IITs में तो नहीं होता, बस उसमें 6 राउंड ही होते हैं, सारी सीटें फुल हो जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं रिप्लाई करने रेडी हूँ। और टेलीग्राम और हमारा इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखी है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, ज़रूर पूछ लेना यार, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ऑल द बेस्ट, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है ना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और आपके बहुत सारे वीडियो आपके आने वाले हैं कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज में क्या करना है, कैसे करना है, स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चलेगी, काउंसलिंग, तो अभी तो काउंसलिंग ही चल रही होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग बहुत आपकी हेल्प हो रही होगी। तो ऑल द बेस्ट आइए। और हाँ, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि IIT कानपुर कौन कौन आ रहा है यार, IIT कानपुर कौन कौन आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो।